नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं करियर मार्गदर्शन में आपके सवालों के जवाब लेकर और कुछ नई जानकारियां लेकर। हमारे बीच में मौजूद हैं श्री संदीप भट्ट सर, जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। तो आज हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज में भी राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की किस तरह तैयारी की जाए, उस पर हम सर से बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार आसिफ जी, और हमारे सभी युवा साथियों को, हमारे दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम अपनी बात शुरू करेंगे। हम सर से पहले जानना चाहेंगे, सर सिविल सर्विसेज में आपके क्या अनुभव हैं, आप क्या बांटना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ में? आसिफ जी, सिविल सर्विसेज का जहाँ तक सवाल है और ख़ास करके राज्य की प्रशासनिक सेवाओं का जहाँ तक प्रश्न है, तो हमारे यहाँ हर युवा का जो कॉलेज में पढ़ता है उसका कहीं ना कहीं ये सपना होता है कि वो एक ऐसी नौकरी में अपना करियर बनाए जहाँ उसको एक अच्छा पद तो मिले ही मिले, लेकिन पद के साथ प्रतिष्ठा भी मिले और उसको लोगों की सेवा करने का, यानी समाज की सेवा करने का और समाज में जो परिवर्तन चाहता है उसको करने का भी अवसर उसको खूब मिले। तो ऐसी नौकरी अगर हम चाहते हैं, ऐसे मार्ग पर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सिविल सर्विसेज से अच्छा हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है। ये न सिर्फ हमें पद और प्रतिष्ठा दिलाता है, बल्कि हमें समाज में निर्णयकारी भूमिका में लाता है और हमें समाज में परिवर्तन लाने का एक माध्यम भी बनने का अवसर मुहैया कराते हैं। ना केवल समाज में बल्कि प्रशासन, मतलब शासन में भी आपका दखल अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात को वहाँ पर महत्व दिया जाता है। जी जी, अभी जैसा आपने देखा होगा आसिफ जी, कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवाओं की जो परीक्षा लोक सेवा आयोग कराता है उसकी विज्ञप्ति भी निकल गई है और उसमें अनेक तरह की सर्विसेज होती हैं, जिसमें उप जिलाध्यक्ष, जिसको हम कहते हैं उप जिलाधिकारी, कई जगह इसका नाम होता है, यहाँ से लेकर के तहसील लेकर के, हाँ, जो SGM रैंक के जो अधिकारी होते हैं, वहाँ से लेकर के नगर निगम, जो नगर निगम के आयुक्त होते हैं, उपायुक्त होते हैं, तहसीलों में जो अधिकारी होते हैं, राज्य के अनेक विभाग होते हैं, जहाँ जैसे महिला बाल विकास विभाग है, राज्य का सांख्यिकी विभाग है, कृषि विभाग है, या जनसंपर्क विभाग है कोई, और राज्य में जो हम ये प्रशासनिक सेवाओं की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ ही साथ जैसे अभी लोक सेवा आयोग से, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से, राज्य की जो स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज निकलती हैं उसका भी विज्ञापन जारी हो चुका है। ये भी एक किस्म से सिविल सर्विसेज जैसा ही क्षेत्र है, जहाँ जाकर के युवा साथी अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। आसिफ जी। जी सर। सर, बहुत सारे लोगों का एक सवाल यह होता है कि राज्य प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए वे तैयारियां कैसे करें और उसके लिए कौन से ऐसे कोर्स लें जो इनको इन प्रतियोगी परीक्षाओं में सहयोग कर सकते हैं। देखिए, हाँ, ये बहुत सही सवाल है। बहुत से विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है विद्यार्थी, तो कई बार अपना एम बना लेता है, लक्ष्य बना लेता है कि मुझे आगे जा करके सिविल सर्वेंट बनना है, लोक सेवक बनना है और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा करके मैं काम करना चाहता हूँ, तो वो एक फर्स्ट ईयर से ही तैयारी अपनी शुरू कर देते हैं। देखिए, सिविल सर्विस में जाने के लिए कुछ विशेष सेवाओं को छोड़ दें, जैसे मैंने अभी राज्य वन सेवा की बात की, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस, तो वहाँ आपको विज्ञान विषय चाहिए होते हैं। अदरवाइज आप सामान्य प्रशासनिक सेवाओं की बात करें तो वहाँ विषय की कोई बाध्यता नहीं है। आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस के ग्रेजुएट हो सकते हैं, इंजीनियरिंग के या मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, और उसके बाद आप जा करके सिविल सर्विस में परीक्षा में बैठ सकते हैं। और इसके अलग अलग चरण होते हैं, मुख्य चरण, प्राथमिक चरण होता है, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम कहते हैं प्रीलिम्स, उसके बाद में मेन एग्जामिनेशन और उसके बाद में साक्षात्कार, इस तरह के अलग अलग चरण राज्य की लोक सेवा की सेवाओं के लिए होते हैं। तो विषय की कोई बाध्यता नहीं है, डिग्री की कोई बाध्यता नहीं, किसी भी विषय का कोई भी ग्रेजुएट विद्यार्थी इस तरह की प्रशासनिक सेवाओं के लिए आवेदन कर सकता है। सर, जैसे हम बात करें खंडवा की या निमाड़ की, निमाड़ के आसपास कोई ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बच्चे जाकर के इसके लिए तैयारी कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा भी कई संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में निःशुल्क सिविल सर्विसेज की कोचिंग्स कराई जाती हैं। उसके अलावा ढेर सारे, देखिए, महाविद्यालय स्तर पर भी करियर प्रकोष्ठ होते हैं, जहाँ पर समय समय पर सिविल सर्विसेज में कैसे करियर हमारे युवा साथी बना सकते हैं इसकी तैयारी करवाई जाती है, इसके व्याख्यान, विशेष कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं,
और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आपको नियमित तौर पर कोचिंग करने की आवश्यकता है तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो फाउंडेशन से लेकर के एडवांस लेवल तक के कोर्स करवाते हैं, यानी फर्स्ट ईयर में भी विद्यार्थी एडमिशन ले सकता है बीए फर्स्ट ईयर में वहाँ जा कर के, और फाइनल ईयर आते आते उसकी अच्छी तैयारी हो सकती है जो, और जब वो फाइनल ईयर में बैठ रहा होता है और इस तरह के सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन भी देता है तो अगर उसकी तैयारी अच्छी है तो निकलने की संभावना। हाँ, अगर शुरुआत से आपने मन बना लिया है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो शुरुआत से ही आपको उसमें रुचि भी रखनी पड़ेगी। आसिफ जी, ये बहुत ही प्रतिष्ठित सेवाएं हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा होती है और लाखों युवा इसमें बैठते हैं तो कंपटीशन का जो स्तर है वो भी बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा होता है। लाखों युवा बैठते हैं और कुछ चंद का ही इसमें चयन हो पाता है, तो प्रतिस्पर्धा लाखों के साथ में है। इसलिए बेहतर ये है, मेरा ये सुझाव रहेगा युवा साथियों के लिए कि आप 12वीं के बाद से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू कर दें, तभी जाकर के आपको उसमें सफलता मिल सकती है और नियमित आप अध्ययन अपना जारी रखें। उसके साथ ही साथ अनेक विषय इसमें चूँकि शामिल होते हैं, विषयों को चयन करते हुए अपना सामान्य अध्ययन का चयन करते हुए और सामान्य अध्ययन को नियमित तौर पर आप अच्छा बनाए रखेंगे तो तभी आपको इसमें सफलता मिल सकती है। जी सर, एक मन में और सवाल उठ रहा है सर, वो ये कि राज्य प्रशासनिक सेवाओं में मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे विभाग हैं जिनमें प्रमुखों के लिए इसमें इससे भर्ती निकलती है। आसिफ जी, राज्य प्रशासनिक सेवाओं के पदों की जहाँ तक बात है तो इसमें उप जिला अधिकारी से लेकर के उप जिला पुलिस अधीक्षक, राज्य लेखा सेवाएं, उसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग, जनसंपर्क विभाग, राज्य की सांख्यिकी सेवाएं, कृषि विभाग समेत तहसील और नगर निगम, नगर पालिकाएं, तमाम ऐसे संस्थान हैं, तमाम ऐसे विभाग हैं जिसमें अनेक महत्वपूर्ण पदों पर राज्य की लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्य की प्रशासनिक सेवाओं द्वारा चयन किया जाता है। तो इसमें काफ़ी पद होते हैं, काफ़ी सारे विभागों के लिए होते हैं और ये साल भर में लगभग इस तरह की परीक्षाएँ राज्यों में आयोजित की जाती है और युवा साथी इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर नियमित अध्ययन करते हैं तो ये एक करियर का एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जी सर, एक सवाल ये भी आता है कि जैसे मध्य प्रदेश के बच्चे हैं और किसी अन्य राज्य में वहाँ के लिए पद निकले हैं तो वहाँ के लिए मध्य प्रदेश के लिए कुछ आरक्षण या बाहर के बच्चों के लिए कोई आरक्षण होता है, जिस तरह मध्य प्रदेश में बाहर के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? आपने देखिए, हर राज्य की जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, राज्य से एक राज्य से अनेक दूसरे राज्य में ये नियमों पर थोड़ी सी विविधता आपको दिख सकती है, लेकिन बहुत सारे जो अनारक्षित पद होते हैं जो किसी राज्य के विशेष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या दूसरे किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित नहीं है तो उन पदों के लिए, यानी कुल मिलाकर के अनारक्षित पदों के लिए दूसरे राज्यों के जो प्रतिभागी हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश के जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वे राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में या दिल्ली में किसी भी दूसरे राज्य के लोक सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस ये बात जरूर है कि कई राज्यों में जो है भाषाई बाध्यता आपको दिख सकती है या भाषाई विशेष, जैसे हम महाराष्ट्र में जाए तो हो सकता है वहाँ पे मराठी हो सकता है, तो वहाँ थोड़ी सी आपको देखना पड़ेगा कि दिक्कत तो नहीं कह सकते हैं उसको, लेकिन ये कह सकते हैं कि वहाँ अगर किसी पद विशेष के लिए भाषा की आवश्यकता है तो तब आप नहीं आवेदन कर सकते, अन्यथा सामान्य तैयार जो है कोई भी विद्यार्थी देश भर में किसी भी दूसरे राज्य में लोक सेवाओं के लिए आवेदन करते हैं विद्यार्थी। जी सर, दूसरा एक बात और सामने आती है सर कि जैसे खंडवा है, खंडवा में रहने वाले जो स्टूडेंट हैं, खरगोन में रहने वाले स्टूडेंट हैं, बुरहानपुर के हैं, बड़वानी के हैं, ये लोग एक अच्छा इंस्टीट्यूट हमेशा ढूंढते रहते हैं और सबकी जो खोज है वो अमूमन इंदौर पे जाके ख़त्म होती है, भोपाल पे जाके ख़त्म होती है या फिर कोटा में जाके ख़त्म होती है। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो इस तरह चाहते हैं कि मतलब उनको बेहतर ट्यूशन मिल सके, वो क्या करें इसके लिए स्थानीय स्तर पर? आसिफ जी, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए जहाँ तक बात है तो एक ज़माने में दिल्ली इसका प्रमुख केंद्र हुआ करता था कि जो भी विद्यार्थी देश भर में सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे तो दिल्ली जाकर के बाद में तैयारी करने लगते थे। बाद में अनेक राज्यों में, बड़े शहरों में, जैसे आपने अभी इंदौर का नाम लिया, जयपुर हो गया, भोपाल हो गया, ऐसी राज्य की राजधानी में या बड़े शहरों में कोचिंग सेंटर्स बहुत सारे खुले हैं और जो कि सिविल सर्विस की तैयारी कराते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ
कि आज का दौर ऐसा समय है कि आपको आसानी से पत्र पत्रिकाएं जो प्रमुख हैं वो छोटे छोटे कस्बों में और शहरों में भी मिल जाते हैं जी। आपको डिजिटल दुनिया है तो इंटरनेट आपके पास में है, स्मार्टफोन आपके पास में है, तो कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन भी आपको तैयारी करवाते हैं। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं जो आजकल ऑनलाइन, और कोरोना के खास इस कोरोना समय में हमने देखा है कि सारी पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन ही भी है। तो अब आपको बड़े महानगर जाकर के ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स आपको अलग अलग ड्यूरेशन के उनके मॉड्यूल्स हैं कोर्स के तैयारी के, तो वे आपको ऑनलाइन भी मुहैया करवा रहे हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोचिंग सेंटर्स में जाकर के ही तैयारी करनी है, अगर आप स्वयं से भी अध्ययन करते हैं यानी स्वाध्यायी हैं तो अपने दम पर भी आप तैयारी कर सकते हैं। और नियमित अगर आप अध्ययन करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको किसी खास तरह की कोचिंग ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नियमित मेहनत से, नियमित अध्ययन से और सतत प्रयास करने से आप सिविल सर्विसेज में सफलता हासिल कर सकते हैं। एक तो विरोधाभास आता है कि ऑनलाइन पढ़ाई उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है जितनी कि हम क्लास अटेंड करके या रेगुलर करके हासिल करते हैं, तो इसमें कुछ मतलब आपको लगता है कि हाँ ये सही है या गलत है? हाँ आपने ठीक कहा। देखिए हर चीज़ के अपने कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, कुछ नुकसान हो सकते हैं जी। या उसके कुछ डिमेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं जी। तो जहाँ तक ऑनलाइन पढ़ाई का अवसर है, अवसरों की बात मैं करूं तो देखिए कोई एक विद्यार्थी सपोज कीजिए किसी ग्रामीण इलाके में रहता है, सुदूर इलाके में रहता है और उसकी सामाजिक उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि जो है बहुत मजबूत नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो बड़े महंगे शहर में जाकर के महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, तो देखिए उसके लिए कितनी अच्छी बात है कि वो ऑनलाइन ही पढ़ाई कर सकता है, अपने घर में बैठ करके नियमित तैयारी कर सकता है, उसको ऑनलाइन अनसॉल्व पेपर मिल सकते हैं, पुराने पेपर मिल सकते हैं। आजकल हर लोक सेवा आयोग जो हर राज्य का है उसकी वेबसाइट पर उसके स्टडी मटेरियल्स होते हैं, उसके कोर्स का सिलेबस का जिक्र होता है, उसके सॉल्व किए हुए पेपर और उसके ओल्ड पेपर भी उसमें दिख जाते हैं। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए कितना अच्छा है जो कि खर्चा वह नहीं कर सकते कोचिंग का या महंगे शहर में रहने का। लेकिन जहाँ तक इसकी डीमेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स ये हैं कि आपको जैसे अपना मूल्यांकन आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, आपको कोई ना कोई एक गुरु, कोई ना कोई एक उस्ताद या सिखाने वाला तो चाहिए कि जो ये बता सके कि आपके ये सवाल ठीक नहीं है या आपको इसकी तैयारी ऐसी करनी चाहिए। तो यहाँ इंटरनेट थोड़ा सा जो है मेरे ख्याल से सिर्फ ऑनलाइन पर ही अपन डिपेंड नहीं रह सकते हैं, लेकिन इसका एक तरीका कोचिंग सेंटर्स ने या जो सिविल सर्विसेज तैयारी के विद्यार्थियों के मेंटर्स हैं उन लोगों ने ये निकाला है कि वे लाइव इंटरेक्शन भी करते हैं जी। यानी जो मेंटर है, जो फैकल्टी उनको पढ़ा रहा है किसी सब्जेक्ट विशेष का, तो वो स्टूडेंट से लाइव कम्युनिकेशन भी करता है, उसको बच्चे को कहीं कोई समस्या आ रही है, विद्यार्थी को कोई सवाल पूछ रहा है, उसके मन में किसी बात को लेकर के कोई झिझक है, तो वो लाइव क्लासेस में भी कर सकता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि जैसे आमने सामने बैठ करके किसी क्लास में बैठ करके जब कोई सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी तैयारी करता है और ऑनलाइन तैयारी करता है, तो इन दोनों में थोड़ा अंतर तो हमको दिखता है आसिफ जी। सर आपने एक बात अच्छी बताई कि अनसॉल्व या सॉल्व पेपर हम निकाल करके उसकी तैयारी कर सकते हैं, ये सभी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी माना गया है। लगभग कम से कम पिछले 3 साल के अनसॉल्व और सॉल्व आपको क्वेश्चन पेपर निकाल लेने चाहिए, ये हमेशा आपको काम आते हैं, वो प्रश्न लगभग इन्हीं के आसपास घूमते हैं। बाकी कुछ जो सामयिक प्रश्न होते हैं वो आपको टीवी समाचार पत्रों और इंटरनेट से इन सारी चीज़ों से उसकी जानकारी मिल जाती है। देखिए उससे होता ये है कि आपको एक मोटा मोटा आइडिएशन तो हो जाता है, एक आपको अंदाज एक आउटलाइन बन जाती है, बिल्कुल बिल्कुल एक खाका आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है कि प्रश्न इस तरह से आते हैं, इतने प्रश्न आते हैं, क्या उसकी टाइमिंग रहती है। तो पुराने जो पेपर जब हम देखते हैं तो उससे हमको एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी तैयारी किस हिसाब से होनी चाहिए आसिफ जी। तो सर लगभग मैं सोचता हूँ इस विषय पर हम अच्छी तरह से बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे कुछ सवाल हैं जो बच्चों ने हमें भेजे हैं। पहला सवाल राखी का है सर, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, शुरुआती दौर से ही कैसी तैयारी होनी चाहिए, ये इनका सवाल है। देखिए राखी जी आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊं कि आज के समय में विद्यार्थी 10वीं के बाद से लेकर के ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, यानी 11वीं 12वीं में जाते जाते वो विषय का चयन भी इस तरीके से करते हैं। कुछ खास सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, जैसे आप सोशल साइंसेज को, क्योंकि अल्टीमेटली एक सिविल सर्वेंट को जाकर के काम सोसाइटी के बीच में करना पड़ता है जी, तो उसके सिविल सर्विसेज के एस्पायरेंट्स को
सोसाइटी के बहुत से इंस्टीट्यूशंस के बारे में मालूम होना चाहिए, वो किस तरीके से काम करते हैं, जैसे पंचायतें हैं, नगर निगम, नगर पालिकाएँ हैं, हमारी संसद की जो राज्य, हमारी जो राज्य की व्यवस्था है, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और जब आप 10वीं 12वीं से लेकर के ही इस तरह के अध्ययन को करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में और फाइनल ईयर जाते जाते रूटीन में आ जाता है बिल्कुल, और आपकी नींव मजबूत हो जाती है। तो आप 12वीं से ही, 10वीं के बाद से लेकर के ही, बल्कि 12वीं से 10वीं से ही आप इसका अध्ययन शुरू करते हैं, इसकी तैयारी शुरू कर सकते हैं, ग्रेजुएशन तक आप, मुझे लगता है कि एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाते हैं। सर, कविता ने एक सवाल भेजा है, हालांकि इस पर बात हो चुकी है, सिविल सर्विसेज के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता तो जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं तो आप सिविल सर्विसेज में भाग ले सकते हैं, लेकिन हाँ, जो राज्य के कुछ और सेवाएं हैं, जैसे सांख्यिकी की सेवाएं हैं या आपका राज्य की वन सेवा है, राज्य की वन्य सेवा है, तो वहाँ आपको विज्ञान के विषय या एस्थेटिक्स के विषय, इस तरह के विषयों की बाध्यता होती है, तो वहाँ विषय की स्पेसिफिकेशन है। अदरवाइज दूसरे जो कॉमन सिविल सर्विसेज हैं वहाँ पर विषय की कोई बाध्यता नहीं, किसी भी विषय से आपने स्नातक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आदर्श ने सवाल भेजा है सर, ये कह रहे हैं कि सिविल सर्विस में जाने के लिए कौन से विषय में रुचि होना ज़रूरी है, कैसे विषय पढ़ना चाहिए और कौन से विषय पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, विषय तो चूँकि ये ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि किसी खास विषय पर ही आपको तवज्जो देनी चाहिए, सभी विषयों से संबंधित इसके अंदर सवाल आते हैं, क्योंकि देखिए उसमें गणित के प्रश्न भी आते हैं, विज्ञान के भी आते हैं, हर तरह के प्रश्न, तो गणित है, विज्ञान है, इतिहास है, आपका इतिहास के सबसे ज्यादा इतिहास भी है बिल्कुल, और राजनीति का है, आपको कुल मिलाकर के आपकी जो समसामयिक विषयों पर जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कोई खास विषय पर ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका पैटर्न इस तरीके का होता है कि विद्यार्थी के सभी तरह के ज्ञान को जो है उसमें आंका जाता है, मापा जाता है, तो कोई एक खास विषय पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मेंस के लिए जब सब्जेक्ट्स की बात होती है तब आप थोड़ा सा जो सब्जेक्ट का चयन करते हैं तो वहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इस तरह की कोई खास बाध्यता नहीं है। शांतनु का सवाल है सर, सिविल सर्विसेज की तैयारी कहाँ करनी चाहिए? जैसा हमने बताया, अगर आप किसी कोचिंग में एडमिशन, नहीं तो आपके यूनिवर्सिटी में, आपके कॉलेजेस में अलग अलग सेल्स होती हैं, करियर गाइडेंस की, करियर काउंसलिंग की सेल्स होती हैं, जो अलग अलग समय में आपको सिविल सर्विसेज के बारे में जानकारी देते हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं रेगुलरली, तो आप ऑनलाइन और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं सिविल सर्विस के, आप घर में बैठ करके भी लगातार, अगर आप रोज समसामयिक विषयों के समाचारों पर आधारित खबरों को पढ़ रहे हैं, अखबारों को पढ़ रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ रहे हैं, जैसे भारत सरकार की पत्रिकाएं हैं, कुरुक्षेत्र है, योजना है, इस तरह की पत्रिकाओं को पढ़ रहे हैं, जो कि अनेक विषयों पर सार गर्भित आलेखों के साथ, सार्व गर्भित सूचनाओं के साथ आपके सामने कंटेंट को लेकर के आती हैं, ऐसी मैगजीन को पढ़ते हैं, ऐसे अखबारों को पढ़ते हैं, वेबसाइट्स पर जाकर के आप जानकारियाँ जुटाते हैं, तो मेरे ख्याल से आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पंकज का सवाल है सर, सिविल सर्विसेज में कौन सी जॉब लग सकती है? हालांकि इसके ऊपर आप पहले भी जवाब दे चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में बहुत सी सेवाएं आती हैं, जिसमें कि प्रशासन से लेकर के, आपके कृषि विभाग से लेकर के, महिला बाल विकास से लेकर के, जनसंपर्क से लेकर के, स्कूली शिक्षा से लेकर के, बहुत से उसमें जॉब्स होते हैं जो हमारी ये लोकल इंस्टीट्यूशन से, जैसे नगर निगम है, नगर पालिकाएँ हैं, यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, इस तरह की कई सारी जॉब्स, तहसीलों में जो तहसीलदार होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, इस तरह के कई सारे जॉब्स उसमें होते हैं, कई सारी सेवाएँ प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत आती हैं, तो जब विद्यार्थी उसमें सेलेक्ट होते हैं सिविल सर्विस में, तो उसके हिसाब से फिर बाद में उनको एलोकेट किया जाता है कि कौन से सेवाओं में, मेरिट के हिसाब से और जो उनका प्रोसीजर है उसके हिसाब से फिर आपको सिविल सर्विसेज में अलग अलग जॉब्स, आपको अलग अलग प्रोफाइल दिए जाते हैं। राहुल का एक सवाल है जी, थोड़ा सा रोचक लग रहा है मुझे, यदि हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो हम एग्ज़ाम पास करने के लिए कब तैयार हो जाते हैं? कोई खास फॉर्मूला तो नहीं है कि आप कब तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग, जैसा कि मैंने बताया कि 10वीं के बाद से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, 11वीं से लेकर के 12वीं, और फिर जो है वो 3 साल ग्रेजुएशन के दौरान भी तैयारी लगातार करते हैं, और कई बार वो जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, क्योंकि हमने देखा है कि कई लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विसेज को क्रैक कर लेते हैं उस एग्ज़ाम को और सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, कई लोग दूसरे तीसरे चरण में कर पाते हैं, और कई बार क्या होता है ना कि जब आप सिविल सर्विस में निकल भी गए और आपको मनमाफिक उसमें पद नहीं मिल रहा है,
क्योंकि मेरिट के हिसाब से आपको जो है हो सकता है कि आप प्रशासनिक सेवाओं में जो टॉप सर्विसेज है उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपको सिविल सर्विसेज में ही दूसरी कोई सेवा मिल गई है, तो लोग दोबारा से अपीयर होते हैं और फिर टॉप सर्विसेज में जाते हैं। तो उसका कोई खास फॉर्मूला नहीं है कि आप कब तैयार हो सकते हैं। आप हो सकता है 3 साल में तैयार हो जाएं, आप फाइनल ईयर में आते आते आपने अगर फर्स्ट ईयर से तैयारी अच्छी की है, आपका विषय पर पकड़ अच्छी है और आप लगातार अध्ययन कर रहे हैं, लगातार अभ्यास कर रहे हैं, तो हो सकता है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालें, हो सकता है आपको एक दो प्रयास में सफलता मिले। लेकिन आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार ऐसा होता जरूर है कि विद्यार्थी पहले प्रयास में ही जो है सफल नहीं हुआ और वो जो है निराश हो जाता है और सोचता है कि 2 प्रयास में भी नहीं हुआ, 3 प्रयास में भी नहीं, तो कई बार लोग निरंतर प्रयास करते हैं। लेकिन आप अपने अध्ययन को और अभ्यास को सतत रखें तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो सर धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ यहाँ पर हमें दी हैं और सभी जो स्टूडेंट हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं भी उनसे एक बात ये कहना चाहूँगा, अगर आप किसी काम को जुनून के हद तक लेकर जाते हैं तो आपको उसमें कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो लगातार अपने प्रयास जारी रखिए, एक ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ ही आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।